जय हिंद साथियों और साथियों, इसी बीच एक ऑफिशियल नोटिस आप लोगों के बीच बिहार पुलिस का आ चुका है। 21,391 पदों के लिए ऑफिशियल नोटिस यानी www.csdc.bihar.nrc.in के वेबसाइट पर, यानी जो अभी हमारे पीछे ये ऑफिशियल साइट देख रहे हैं, कुछ ना कुछ 21,391 भर्ती में कुछ ना कुछ हर दिन नया सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। इससे पहले आप डेट भी जान गए कि कब आपका संभावित डिपार्टमेंटल नोटिस था, इससे पहले ये भी जान गए कि कुछ लड़कों का फोटो और सिग्नेचर मैच नहीं हुआ था, उनका ये चल रहा था। अब ये नोटिस जैसे ही आज आया है, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको बताया भी हूं और अभी पूरा समझा रहा हूं कि क्या आखिरकार बोर्ड ने, आयोग ने ये नोटिस निकाली है। 21,391 पद वाले जितने सारे भाई फॉर्म अप्लाई किए हैं, ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और ऐसी ही जानकारी पानी है तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन की घंटी दबाएंगे ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। वीडियो देखने से पहले देखेंगे विज्ञापन संख्या 1/2023 और बढ़िया से ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। 1/2/2023 बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अन्य इकाइयों में रिक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा जेंडर यानी लिंग फीमेल चयन किया गया है, परंतु उनके नाम और फोटो से प्रतीत होता है कि वे मेल अभ्यर्थी है, तथा कुछ अभ्यर्थियों द्वारा जेंडर लिंग मेल चयन किया गया है परंतु उनके नाम और फोटो से प्रतीत होता है कि फीमेल अभ्यर्थी है। इस कारण इन सभी अभ्यर्थियों का जेंडर लिंग की स्पष्टता पहचान नहीं हो पा रही है, इनकी सूचना संलग्न है। इन अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि 4/8/2023 से 10/8/2023 तक पार्षद के वेबसाइट www.csdcbihar.nic के बिहार पुलिस टैब पर दिए गए लिंक पर लॉगिन कर पुनः अपने जेंडर लिंक का चुनाव करें। यह अंतिम अवसर है, इसके बाद आपके द्वारा जेंडर लिंक चयन में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर विज्ञापन संख्या 1/2023 की कणिका 27/8 के आलोक में आपकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी अनुगलक। और देख रहे हैं विशेष कार्य पदाधिकारी केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती और आज का डेट है अध्यक्ष केंद्रीय चयन पार्षद और ये पूरा लिस्ट भी आया हुआ है। अब देखिए कुछ लड़कों का नाम है, कुछ लड़कियों का नाम है, टोटल 18 पेज का ये PDF है। टोटल नाम देख रहे हैं आपको हम, सबसे पहले कितने ऐसे कैंडिडेट है जिनका जेंडर, यानी आप फॉर्म जब डाले होंगे स्पष्ट रूप से हमारी बातों को समझेंगे। हर 27 लाख प्लस अभ्यर्थियों को ये वीडियो देखना चाहिए और देखना, या नहीं तो आप अपना कम से कम जो आप फॉर्म जो आप डाले होंगे उसका नॉलेजमेंट थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए, क्या आपका ही फोटो उसपे है, क्या आपका ही सिग्नेचर वाला भी मैच कर लीजिए। देखिए लास्ट PDF ये है, ये टोटल 851 टोटल ऐसे अभ्यर्थी है। कितने अभ्यर्थी है तो 851 जिनका की जेंडर चाहे लड़का और लड़की, नाम से देखिए राहुल तिवारी, यू गेंद्रा तिवारी इनका रजिस्ट्रेशन, ये सब बहुत सारे नाम है जिनका की क्या जेंडर लिंग में प्रॉब्लम आया है, यानी वो हो सकता है कि कुछ लड़का कुछ लड़की जिनका नाम वो लड़कियों का नाम है लेकिन फोटो किसी लड़का का लग गया। देखिए होता है फॉर्म अप्लाई करते समय बहुत सारी चीजें गड़बड़िया हो जाती है, कुछ आपसे गड़बड़ी होती है, कुछ फॉर्म डालने वाले जो भाई साहब होते हैं वो जल्दबाजी में कुछ गलतियां करते हैं और वही एक कारण होता है कि सिग्नेचर हो गया, फोटो हो गया और एक ये नया आ गया। नया क्या आ गया तो आप देखिए रहे कि जेंडर यानी लिंग आप पुरुष हो कि महिला हो, ये बोर्ड को आयोग को क्लियर नहीं हो पा रहा, आप बोर्ड को आयोग को ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप पुरुष हो कि महिला हो। इसके लिए कुछ लड़कों का देख रहे हैं कितना टोटल सीट है, 18 पेज का है, तो ये टोटल आप थोड़ा जल्दी से अपना जो जेंडर है ना तुरंत क्लियर करिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी है और फिर आपको स्पष्ट रूप से लिखा गया कि फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, यानी जो आपका सपना है 21,391 पदों में एक पद पाने का तो आप इससे दूर हो जाएंगे। तो जल्दी से इस PDF पे अपना नाम भी देख लेंगे, नहीं तो ऑफिशियल साइट पे जाके सर्च करके देख लीजिए, दोनों PDF निकाल के देखिए और संतुष्ट होके पढ़ाई करिए। और एग्जाम डेट भी आप लोगों का एक निश्चित समय मिल गया है तो निश्चित समय में आपको तैयारी करनी है। एक बार पुनः पूरी टीम गुरुजी की ओर से आप सारे भाई बहनों को आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं बधाई है। माता रानी से यही प्रार्थना रहेगी
कि जो भी भाई मेहनत कर रहे हैं सभी का सपना सच हो और सभी को बिहार पुलिस में एक सीट मिले। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।